क्वेश्चन है हमें प्रूफ करना है ए की पावर माइनस वन अपॉन में ए की पावर माइनस वन प्लस में बी की पावर माइनस वन प्लस में ए की पावर माइनस वन अपॉन में ए की पावर माइनस वन माइनस बी की पावर माइनस वन। जो ये पार्ट है ये किसके इक्वल होगा, टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने इस एल एच एस पार्ट को लेंगे। तो एल एच एस पार्ट क्या है हमारा, ए की पावर माइनस वन अपॉन में ए की माइनस वन प्लस बी की माइनस वन और ए की माइनस वन अपॉन में ए की माइनस वन माइनस बी की माइनस वन। क्लियर। अब आपने इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी आइडेंटिटी याद रखनी है, वो ये कि ए की पावर माइनस एम जो होता है ये होता है वन बाय ए की एम। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी पावर माइनस में होती है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमने ये काम इन सभी पार्ट्स में कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन बाय ए। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा हमारा, ये भी वन बाय ए प्लस में वन बाय बी प्लस इस पार्ट में भी लगा देंगे तो ये भी वन बाय ए अपॉन में वन बाय ए माइनस का वन बाय बी। यहाँ तक तो सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, ये हमारा वन बाय ए और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसमें एलसीएम ले लिया। क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, ए बी और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई तो ए प्लस वन बाय ए अपॉन में यहाँ पर भी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ए बी और ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए। अब हमें क्या करना है, इस स्टेप के बाद ये हो गया हमारा वन अपॉन में ए इन टू में ए बी, ये फ्रैक्शन हमारी अपोजिट हो जाएगी तो ए बी अपॉन में बी प्लस ए प्लस वन अपॉन ए इन टू में ए बी अपॉन में बी माइनस ए। क्लियर। यहाँ पर ए से ए आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल हो गया। अब ये बचा बी अपॉन में बी प्लस ए प्लस बी अपॉन में बी माइनस ए। अब हमें आगे क्या करना है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस ए की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, बी प्लस ए की बी माइनस ए मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गई। ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो बी बी माइनस ए प्लस बी बी प्लस ए। अब अपना नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके ब्रैकेट खोल दो, बी की बी के साथ मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर, बी की ए के साथ तो माइनस ए बी, यहाँ पर भी बी स्क्वायर और बी की ए के साथ तो प्लस का ए बी। और यहाँ पे आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, आपकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इस आइडेंटिटी को जब इस पार्ट में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस करेंगे तो टू बी स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और यही है हमारा आर एच एस। और इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट।